नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की हमारी वीडियो मकर राशि एवं मकर लगन वाले जातकों के लिए समर्पित है। वह सारी जानकारी जो मकर राशि वाले जातकों को जानना बेहद ज़रूरी है, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपका भाग्य मंत्र, आपका भाग्य रत्न, आपके लिए शुभवार, कारक एवं मारक ग्रह, किस ग्रह की दशा बनाएगी आपको करोड़पति और कौन से ग्रह की महादशा एवं अंतरदशा में कंगाल होने का योग भी आपको देखना पड़ेगा। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, ये मकर राशि से 9वें स्थान में पड़ती है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, तो यह स्थान आपका भाग्य स्थान है जहाँ कन्या राशि है और आपके भाग्य के स्वामी हैं बुध ग्रह। इसलिए जन्म कुंडली खोलते के साथ ही आपको सबसे पहले बुध ग्रह की स्थिति का अध्ययन करना होता है। बुध ग्रह के अति बाल्यावस्था में होने पर, यानी कि 6 डिग्री से कम होने पर, या अति वृद्धावस्था में होने पर, 24 डिग्री से ऊपर होने पर, तो आपको बुध ग्रह का प्रिय रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। बुध के पश्चात आपको शुक्र, जो कर्म स्थान के स्वामी हैं आपके और बुद्धि स्थान के स्वामी हैं, और शनि जो लगन के स्वामी हैं, इन तीन ग्रहों का आपको अध्ययन करना चाहिए। और इन तीनों ग्रहों में जो भी ग्रह कमज़ोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, उस ग्रह का रत्न मंत्र आदि से उसको शक्तिशाली बनाना चाहिए। आपका भाग्य रत्न है पन्ना, ओपल और नीलम। आवश्यकता के अनुसार जो भी तीनों में से आपका ग्रह कमजोर हो उसका रत्न अवश्य पहनना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको श्री गणेश जी महाराज की उपासना करनी चाहिए। शुभ वार हैं शनिवार, बुधवार और शुक्रवार। और आपकी जन्म कुंडली में जो विशेष है, जन्म कुंडली खोलते के साथ ही शनि, बुध और शुक्र तीनों ग्रहों को इनका अध्ययन करना चाहिए। शनि कमज़ोर है तो शनि के उपाय करें, नहीं तो पूरा जीवन कमज़ोर हो जाएगा। बुध कमज़ोर है तो उसका उपाय तो ज़रूर करें, नहीं तो भाग्य आपका साथ छोड़ ही देगा। और शुक्र कमज़ोर है तो इसका असर आपकी बौद्धिक क्षमता, डिसीजन पावर, आपकी शिक्षा पर, निश्चित रूप से आपकी संतान पर, आपके मित्रों पर, रोमांटिक लाइफ पर, पर्सनल जो आपका एक जीवन है उस पर पड़ेगा। तो इसका तीन ग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में। जब भी बुध, शुक्र या शनि की महादशा आपके जीवन में आएगी तभी आपको भारी धन लाभ होगा। और साथियों, आपकी जन्म कुंडली में सबसे ज़्यादा खास ध्यान आपको रखना है सूर्य या चंद्रमा की महादशाएं या इन दोनों ग्रहों की अंतरदशा। आपको भारी नुकसान, टेंशन, तनाव की परिस्थितियां या कोई बीमारी देकर के जा सकती हैं। सूर्य चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा में आपको कहीं ना कहीं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप व्यापारी हैं या जीवन में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेश जी की उपासना किसी न किसी रूप में आपको अवश्य करनी चाहिए। बुधवार का व्रत रहना चाहिए। साथियों, मैं कामना करता हूँ मकर लगन के संबंध में, मकर राशि के संबंध में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।